हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। आज हम लेके आए हैं बब्बर अपोक्सी। इसका प्राइस कितना हम आपको दिखा रहे हैं। इसका प्राइस है 1670। एक अपोक्सी करने का सही तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो में बने रहें। सबसे पहले व्हाइट पाउडर जो है इसको हम पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद कुट्टी ब्लेड का सहायता से इस गैप जो है हम इसको बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद ये देखो हमने काफ़ी सारा बर्न कर रखे हैं। ये जो मतलब जितना भी गैप है ये हमने बर्न कर चुका है। और ये बर्न करने के बाद वो सूखा कपड़े से क्लीन करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा आप लोगों को। और ऐसा इंटरफेस देखो, अभी कोई कचरा वगैरह है नहीं, ये दिख रहा है, पूरी तरह से दिखा रहा हूँ। अभी जो ये पेसर है इसको हम पेसर कहते हैं। ये पेसर की सहायता से हम ये थोड़ी गैप निकालेंगे, क्योंकि ये अभी पूरी तरह बंद है। इसको थोड़ी सी जगह बनाएंगे हम इसको, ये देख रहे हो थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ। अभी इसको पूरा ही बनाना पड़ेगा, मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। देखो हमने पूरी की पूरी निकाल ली है, जितना भी लाइन दिख रहा है ना आपको, या हमने थोड़ी थोड़ी बहुत निकाल दी है, क्योंकि इसमें जगह थोड़ा चाहिए। दिख रहा है पूरी की पूरी निकाल दी है, थोड़ी सी निकाल दी, ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं हम। देखो अभी जो है ये जो गीला कपड़ा है, गीला कपड़ा से हम पोंछेंगे, क्योंकि ये अभी ये जो लाइन के साथ साथ में कचरा दिख रहा है, मतलब वाइट पाउडर है, इसको हम पोंछेंगे। पोंछने के बाद ये देखो हम पोंछ रहे हैं, इसी तरह से पोंछना है, मतलब सफाई करना है जो भी है। सफाई करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखो अभी कोई मतलब कचरा वगैरह नहीं है, बहुत स्मूथ दिखाई दे रहा है। देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, तो कोई कचरा वगैरह नहीं है, अंदर भी मतलब बिल्कुल क्लीन है। ये अभी ये है बब्बर अपोक्सी, इसको हम अभी पेस्ट बनाएंगे। इसको हम अभी कोई निकालेंगे, ये देख रहे हो ये बहुत महंगा है, 1200 के करीब है, और 1 किलो भी बहुत ही कम किया। अभी देखो हम पेस्ट बनाएंगे, पेस्ट बनाना है। ये बहुत मतलब पेस्ट सही से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मिक्स कमती है फिर भी मुश्किल है। अभी देखो ये कुट्टी ब्रेड की सहायता से हम ये गैप जो है दोबारा बंद करेंगे। ये देखो मतलब बिल्कुल सही से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर गैप रहेगा तो दिक्कत। अभी देखो काफ़ी सारा हमने बंद कर रखे हैं, बंद कर चुका हूँ। देखो देख लीजिए, अभी कम से कम ये 10 मिनट के अंदर इसको सफाई करना चाहिए, नहीं तो ये अगर सूख जाएगा तो ये सफाई होने वाला नहीं है, ये सफाई नहीं हो सकती। इसको 10 मिनट के अंदर इसको सफाई करना चाहिए, फिर जो है कौन सा इससे इसका फायदा से हम ये अभी क्लीन करेंगे। ये सफाई इस तरह से होने वाला है, अब देख सकते हैं हम किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से करना है आपको वो भी। तो वो कौन जो है ना, कौन सी सफाई करने के बाद इसका ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी जो ये गीला कपड़ा है, गीला कपड़ा से इसको हम पोंछेंगे। ये गीला कपड़ा से पोंछने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। एक सेकंड, मैं अभी पूरी जितना भी है पूरा पोंछ के दिखा रहा हूँ। इसी तरह से पोंछना है, मैं इतना लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट बना रहा हूँ। अब देखते रहिए, ये गीला कपड़ा से पोंछने के बाद इसी तरह का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा। देखो अभी कितना स्मूथ हो गया, और दिखने में भी बहुत मज़ा आ रहा है ना। यानी आप लोगों को कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही सही लग रहा है। पहले तो कैसा दिख रहा है, अभी इंटरफेस कुछ अलग तरीका से आ गया।
देख लीजिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना, देख लीजिए आप लोग।